अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीकेंड डिस्कशन। आज मैं बात करने लगा हूँ हामिद सईद भाई के साथ, और हम डिस्कस करेंगे एम्पैथी पर। सो मैं आई एम वेटिंग फॉर हामिद भाई टू जॉइन मी शॉर्टली, और देखें इंशाल्लाह, लेट्स सी कि उनका ओपिनियन क्या है इसके मतलब और वो क्या कहते हैं। मैं उनको गालिबन टैग करने के लिए कॉल करता हूँ। तो एम्पैथी समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको समझने में हमें से बहुत सारों में बहुत दफ़ा गलती हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ। हामिद भाई, मैंने आपको टैग किया है, आप उसमें आकर जब मुझे कमेंट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आई कैन टेक यू लाइव। ठीक है ठीक है, ओके श्योर, आई एम वेटिंग, ओके अल्लाह हाफिज़। तो एम्पैथी क्या एम्पैथी कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, या एम्पैथी इंसान के फितरत के अंदर है? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आई रियली लर्न फ्रॉम योर लाइन, फ्रॉम योर टाइम लाइन जी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना बिन ए गाइडिंग एक्सपीरियंस, फील ब्लेस्ड टू बी अराउंड सच पीपल एंड लोड्स ऑफ देम, नॉट टू से। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हामिद भाई, ये बताइए कि आप कहाँ होते हैं, क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन एम्पैथी इंशाल्लाह। ओके, आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई एम रनिंग माय ऑन स्टार्टअप नेम शाहरू इवेंट टेक्नोलॉजीज सिंस 2017। माशाल्लाह, सो वी आर अ टीम ऑफ 10 एंड अल्हम्दुलिल्लाह शाहरू इज डूइंग गुड। So I have an entrepreneurial background and a software engineering degree. ओ So that's वंडरफुल about यार, me. दैट्स व्हाट आई एम सेलिंग आमिर भाई, And I'm एंड अभी हमें also मोहम्मद इब्राहिम जी। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, आप कैसे हैं, खैरियत से? जी, श्योर and जी, I'm also a visiting faculty member at PUCIT, Punjab University College of Information Technology, and I was teaching a course on entrepreneurship there. So that was a blend of two courses, professional ethics and entrepreneurship. So in professional ethics, we often talk about empathy and understanding the other guys. So that's why when you tagged me in the post, so I thought I shouldn't be talking about this with you. Oh, It would be an amazing it's experience, an inshallah. immense pleasure actually, के मैं तो यार सीधा साधा से एक लर्नर हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न, थोड़ा बहुत कारोबार करते हैं, और यहाँ पर मुझे ये समझने की जरूरत, जिसके कि मैं थोड़ा सा इस वजह से वाकई परेशान रहता हूँ कि इंसान अपने अपनी जात के, मतलब फॉर मी इट्स अ लर्निंग, एम्पैथी जी किस हद तक जरूरी है और ये कितना मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, पहले एम्पैथी तो हमें ये बहुत समझाएं। जी एम्पैथी सर यू कैन से कि व्हेन यू ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज सो दिस इज व्हाट यू कॉल एम्पैथी कि फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉयर हैं और आप अपने एम्प्लॉयज को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे तो आपको ये लगता है कि नहीं ये हर वक्त बहाने बनाते रहते हैं ये हैं ये ऐसे ये करना ही नहीं चाहते सो यू नीड टू फिगर आउट कि वो क्या प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे सो व्हेन यू ट्राई टू लोकेट द प्रॉब्लम व्हेन यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम दिस थिंग इज कॉल्ड बेसिकली एम्पैथी एंड आज के दौर में इस चीज़ की जरूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि ओनली मी इज राइट ओनली आई एम राइट सो दैट्स व्हाई इस चीज की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हाँ, तो अब क्या एम्पैथी किस कॉन्टेक्स्ट में हेल्प कर सकती है हम लोगों को? अब हम अपने लोकल एनवायरनमेंट, लोकल एम्बियंस में देखते हैं, पाकिस्तान में, ठीक है, जी क्या ये हमें कोई हेल्प कर सकते हैं कि लोगों में एम्पैथी की अवेयरनेस ज़्यादा हो, लोग एम्पैथी को समझने के लिए, और किस लेवल के ऊपर इस आई मीन या है मौजूद और उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? Where do we stand at the नहीं moment? इट्स ऑलरेडी देयर बट द इंडेक्स इज वेरी लो एंड वी नीड टू इम्प्रूव दिस इंडेक्स
और एम्पैथी जो है ये इट्स नॉट ओनली अ प्रोफेशनल थिंग, ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है. इवन इफ यू आर स्पेंडिंग अ मैरिड लाइफ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस, और आप उसको एक समटाइम उसके तौर पे सोचना पड़ता है कि ही और शी इज इन सम ट्रबल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हिम और हर, तभी आप उसको समझ पाएंगे और आप बेटर स्टेप्स ले पाएंगे. आपके प्रोफेशन में इस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फ्रॉम अ टीचिंग प्रोफेशन, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से सोच रहे हैं, बजाय कि मैं सिर्फ इस चीज को देखूं कि नहीं, मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया तो इन सबको ए प्लस ग्रेड लेना चाहिए. बट इफ सम स्टूडेंट इज नॉट हैविंग ए प्लस और ए और सम गुड ग्रेड्स एंड ही और शी इज हैविंग सम ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, सो मी एज अ टीचर शुड हैव एम्पथी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, व्हाई दे आर नॉट लर्निंग इट एज दे शुड बी. So when I try to understand that thing, this thing is called empathy, and this is very much needed. We in Pakistan are lacking in अच्छा this आमिर thing. भाई, We मैं have रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग शायद उर्दू में बात करें थोड़ा सा, ताकि ब्रॉडर स्केल पे बहुत सारे लोग समझ सकें, ठीक है ना? जो आप बात कर रहे that हैं would be उसका good. मैसेज पूरी तरह। अगर अब मैं इंग्लिश में बात करूं तो आप मुझे याद करवा दीजिएगा कि मुझे वापस उर्दू में नहीं नहीं बात दैट्स करनी ओके, है, चूंकि ठीक मैं है? भी देखें कुछ एक आध जबाने ज्यादा जानता हूँ खुद से, लेकिन अब मसला ये है कि ये हम लोगों को समझना ये है, मैं वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ये समझने की कोशिश की जा, एक जस्तजू है कि अगर हम दूसरों को समझने के लिए बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, तो क्या एम्पिथी सिर्फ दूसरों को समझना है, या अपनी जात के अंदर इसका जो इफेक्ट है या अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक है? सर, जब आप दूसरों को समझना शुरू करते हैं ना, तो आपको दुनिया के मुख्तलिफ एंगल देखने को मिलते हैं. हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि 360 एंगल्स होते हैं. एक दुनिया को देखने का मेरा एंगल है, बाकी 359 अदर एंगल्स हैं. तो जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दिन ब दिन नए से नए एंगल्स पता चलते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि हमारी जो स्टैक है उसमें काफ़ी ज़्यादा एंगल्स आ जाते हैं. सो दैट वर्जन ऑफ अस, हमारा वो जो वर्जन होता है वो एक बड़ा बेटर वर्जन होता है, और वो दुनिया को बहुत ज्यादा एंगल से देख सकता है, और उसके पास जब भी कोई नया चैलेंज आता है तो वो उसको आसानी से टैकल कर लेता है, क्योंकि उस एंगल से वो दुनिया को एक दफा देख चुका होता है. अच्छा तो ठीक है, अब इसको आप अब कैन यू टेक दैट ऑन के हमारे यहाँ पर एम्पैथी किस स्टेज पर पढ़ाई जाती है, और एम्पैथी क्या या लेट्स से के क्या स्कूल किस लेवल के ऊपर एम्पैथी एजुकेशन या रियलाइजेशन टुवर्ड्स एम्पैथी, एम्पैथी क्या फितरत में मौजूद है इंसान की, इज इट अ नेचुरल कल्चर? बिल्कुल है. इंसान, या इट इज अ नेचुरल थिंग, इंसान जानना चाहता है दूसरों के बारे में. बेसिकली द क्यूरियोसिटी थिंग इज ऑलरेडी बिल्ट इन ह्यूमन बींग, इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट पाई जाती है. तो क्यूरियोसिटी से ही ये चीज जन्म लेती है एम्पैथी के. पहले आप क्यूरियस होते हैं किसी भी बंदे के बारे में जानने के लिए, और जब आप उसको जानना शुरू करते हैं तो एक वक्त आता है कि आपको रियलाइज होता है कि ओके, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैं गलत था, क्योंकि मैं इस चीज को इस एंगल से नहीं देख रहा था. अब जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, इसको मैंने इस एंगल से देखा, तो आपको एक नई दुनिया नजर आती है, आपको अपनी मिस्टेक्स का अंदाजा होता है, और आप उस चीज को ऑन करते हैं. इसका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. और आपका दूसरा क्वेश्चन कि ये चीज हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही है, तो सर आई एम रियली सॉरी टू टेल यू कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेशनल एथिक्स तक नहीं पढ़ाए जा रहे. एम्पथी इज पार्ट ऑफ दैट. तो प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाए जाने का हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड अभी आया तो है, जो कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है, होना चाहिए. आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि हमारे इवन स्कूल और कॉलेज लेवल पे इस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए. लेकिन द डायलेमा इज़ कि ये अभी इस तरह से पढ़ाया जा नहीं रहा. तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूट्स ने इनिशिएटिव लिया, इसको पढ़ाना शुरू किया, और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. और इसको अगर हम हाँ, प्रोफेशनल लेकिन लाइफ के देखें साथ क्या नहीं, एसोसिएट करें. मैं थोड़ा सा ये देखना समझना चाह रहा हूं कि अगर एक एम्पैथी की रियलाइजेशन 4 साल के बच्चे को होगी, बट मेथोडोलॉजीज माइट बी वेरी डिफरेंट, यू नो, बाय द एज आई रीच यूनिवर्सिटी, बाय द एज आई रीच माय हाई स्कूल, मैं बहुत सारे अपनी आदतें पका चुका हूँ, यू नो। सो एम्पैथी जैसा जो सब्जेक्ट है, या जो कि एक
कॉन्सेप्ट है, क्या वो लेटर एजेस में पढ़ाया जा सकता है? देखिए, एथिकल कवानीन एम्पैथी के कोई रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट उसके, या फोर्स्ड जो कंपल्सिव चीजें हैं ना, जब लॉ आ जाता है उसमें एम्पैथी को फॉलो करना पड़ जाता है जस्ट फॉर मी टू गेट ए के एक प्रमोशन हो जाए, या एक काइंड ऑफ एक नाम हो जाए. तो बेसिकली एम्पैथी, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से फॉलो कर रहा हूँ, तो वो तो एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट आ जाता है. बट एम्पैथी एज ए ह्यूमन एस्पेक्ट, वो अगर स्कूल में पढ़ा, स्कूल में उस किस्म के जो प्री स्कूल है, जो बच्चों का स्कूल है, उधर ये चीजें, या सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उधर आएगी तो ज्यादा बेहतर नहीं है? सर बेसिकली इट शुड बी पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। आप जब बच्चे की तरबियत कर पेरेंटिंग, रहे हैं तो यस, इसको स्टार्ट्स एट उसका होम. पार्ट होना चाहिए। या इट स्टार्ट्स एट होम, एग्जैक्टली। लेकिन अब चीज ये है कि अगर हम लोग इस चीज को यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहे हैं, सो मी और मेरे जैसे और लोग इस चीज को इनकरेज करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वी आर क्रिएटिंग बेटर पेरेंट्स फॉर टुमारो। कि वो बच्चे अगर चले फर्ज करें यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पढ़ रहे हैं, इट्स टू लेट, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि एक मौके पे आके वो उन चीजों को देख तो रहे हैं। ठीक, सो वी आर बेसिकली क्रिएटिंग बेटर पेरेंट्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा नहीं है कि ओल्डर जनरेशन ने ये चीजें हमारी तरबियत में हमें नहीं सिखाई। ऑब्वियसली उन लोगों ने भी सिखाई, लेकिन इस चीज को फॉर्मलाइज नहीं किया गया। और हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट जब बाहर मार्केट में जाता है तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इस चीज को कभी एक प्रॉपर 100% अलग चीज के तौर पर देखा नहीं होता। वो इसको थोड़ा कैजुअल ले रहा होता है कि ओके फाइन, देयर विल बी टाइम, मैं इस चीज को सीख लूंगा। पेरेंटिंग के हवाले से एक छोटी सी एग्जांपल देता जाऊं कि हमें से अक्सर ऐसा होता है कि आप दो सिबलिंग्स आपस में बात कर रहे हैं और आपकी छोटी बहन में भी गलती भी होती है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, छोटी बहन है ना। सो बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, वो हमें ये रियलाइज करवा रहे होते हैं कि बेटा छोटी बहन का सोचने का अंदाज क्रिएट एम्पथी के बेटा ठीक है, आप भाई हैं, आप बाहर निकलते हैं 600 तरह के दोस्तों में घूमते फिरते हैं, लेकिन ये अभी छोटी बहन है, अब इसको भी समझने की कोशिश करें। तो वो उस एक वक्त के लिए हमें ठंडा भी कर देते हैं, हमें बातें समझ भी आ जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें ये चीज एज एम्पथी बताई नहीं जाती। एक पैसिव लर्निंग तो हमारी हो रही होती है और वो हमारे ब्रॉटअप का पार्ट होती है, लेकिन ये वर्ड के तौर पे या एक अलग टॉपिक के तौर पे या एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे हमें नहीं बताया जाता। सो द स्मार्ट गाइज, वो लोग इस चीज को टेकअप कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं और उसको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेते हैं। बट हमें बाकी सबको भी साथ लेके जाना है। देर आर 90% पीपल जो स्मार्ट नहीं होते, तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है, उनको इस चीज को फॉर्मल एजुकेशन में ला के उनको बताना है। आई थिंक के वो जो 90% है वो उसे हमें साथ लेके चलना है, इसलिए वी नीड टू बी एक टेम पार्ट ऑफ द होल. इसी, ये तो रियलाइजेशन का सिनेरियो है ना असल में, कि यस इट इज। अवेकनिंग जो है वो उस लेवल के ऊपर आ जाए. अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट है जो थोड़ा सा जरा मुझे समझने में, मैं उसको भी समझना चाहूंगा आपसे. एम्पैथी टू बी इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन, अब दूसरे इंसान के आप नजरिए से देख के उसको समझे. एक जंग हमारे अंदर चल रही होती है, मैं और मेरी जात, राइट, सो यस एम्पैथी टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ, यस वो भी एक सब्जेक्ट है. क्या आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे? वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी मेरा ख्याल है, कि अगर मैं ये समझ सकूं कि जो रवैया मेरा अपना अपनी जात के साथ है, अगर वो बेहतर तभी होगा जब मैं किसी नेचुरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने फैसले और अपने रवैयों को रखूंगा. ठीक है ना? राइट। सो आप जो भी बात कर रहे हैं ये बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस है कि आप अपने बारे में अवेयर हैं। तो एज आई कोटेड अर्लियर के दुनिया को देखने के मुख्तलिफ एंगल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक 5 स्टोरीज बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं उसके 5th फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं दुनिया को उस एंगल से देख रहा हूँ। उसी बिल्डिंग में 2nd स्टोरी पे रहने वाला बंदा दुनिया को अपने एंगल से देख रहा है, राइट? तो होता ये है कि जब हम एम्पथी में इन्वॉल्व होते हैं, हम लोगों को समझना शुरू करते हैं,
तो हम भी तो लोगों जैसे ही है ना, हम भी तो इंसान ही है, तो हमें अपनी जात के छुपे हुए एस्पेक्ट्स के बारे में भी रियलाइज होना शुरू होता है कि ओके दैट वेरी टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने जब मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए थे तो मैंने ऐसे बिहेव किया था, ओके 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 अब ये बच्चा ये मैट्रिक में अच्छे इसने मार्क्स लिए हैं, अब ये बहुत खुश हो रहा है और ये ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहा है ये वो, तो आप अपनी वाली चीज को उसके वाली चीज से मैप करते हैं और फिर उसमें आपको उसको समझने में तो आसानी होती है, लेकिन आप अपने आप को समझने में भी कामयाब होते हैं कि ओके दैट टाइम जो मैंने रिएक्ट किया था वो कितना ठीक या कितना गलत था, तो आप दुनिया को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं, देखना शुरू करते हैं और उन सबको सम अप करना शुरू कर देते हैं, और फाइनल आपका रिजल्ट ये होता है कि आप उसकी एवरेज निकालते हैं। बड़े कहते हैं ना अक्सर कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद, तो आपने अगर दुनिया को 5 एंगल से देखा है तो आप 5 एंगल्स को एवरेज करके उसको 5 से डिवाइड करके आप बता रहे होते हैं कि जी दुनिया ऐसी है, पर अगर आपने वाकईतन 360 एंगल से देखा होगा तो आपकी ओपिनियन उतनी ज्यादा वैलिड हो जाएगी, वॉट अ उतनी गैलेक्सी यू विल ज्यादा बी, आप अपने अंदर एक कहकशा होंगे उनके नजरों यस पर. यस एग्जैक्टली ये इट्स लाइक दिस। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो तो इसको यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू मीट मोर पीपल, यू नीड टू बी मोर सोशलाइज्ड, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलते हैं आपको अलग अलग एंगल्स पता लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आज के सेशन की एग्जाम्पल दूँ कि बिफोर दिस सेशन आई हैवन्ट ट्राइड एनी लाइव सेशन बिफोर, दिस इज माई फर्स्ट लाइव सेशन, सो मे बी आपके लिए ये थोड़ी हेल्प ऑनर्ड होगा, जी, सो आई हैव मैं I आई have taught कांट at university, I एक्सप्लेन. have taught at colleges, right? So, इसका मकसद यही था कि get out of yourself, get to know new people, आप उनके साथ connect करें, आपको नए लोगों के नए दुनिया के angles देखने को मिलते हैं। So before that, maybe अगर मैंने इस तरह का session ना किया होता तो live sessions करने वाले guys के बारे में मेरा ख्याल ये होता कि यार ये ना काफी फारिग किस्म के लोग होते हैं, इनके पास ample time होता है और ये waste करने के लिए live session शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कि मैंने इस चीज को try लाइव ट्राई करके देखा, सो नाउ आई नो कि आपकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, आपका चीजों को देखने का एंगल किस तरह का है, सो एम्पथी इज ओके फाइन कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पर्सन, लेकिन उस ट्राई के भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप ट्राई किस तरह से करते हैं, सिर्फ घर बैठे मकरूजा बना लेते हैं या आप वाकई उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको जज करने की कोशिश करते हैं, और या फिर आप चले अगर इनके टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो आप किसी उसकी वो करते हैं, क्योंकि डेटा इज की, अगर आपके पास दूसरे पर्सन के बारे में एम्पल डेटा नहीं है और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप एवरेज निकाल ही नहीं पाएंगे, आपके पास उसके बारे में एम्पल डेटा नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ, आपने मेरे से मेरे बारे में मेरा इंट्रो पूछा, सो बिफोर दैट मे बी आप मेरे बारे में कोई भी राय कायम करके बैठे होते, लेकिन वो डाटा गैदर किया आपने, फिर हम लोगों ने आपस में बात की, सो वी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एम्पथी फॉर ईच अदर, मैं आपको समझना डेफिनेटली. चाह रहा हूँ, आप मुझे समझना चाह रहे हैं, मैं आपकी क्यूरी आंसर करना चाह रहा हूँ, आप मेरी क्यूरी आंसर करना चाह रहे हैं, और हम दोनों मिलके उन बहुत सारे लोगों की 10 12 20 लोग जो हमें सुन रहे हैं लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, हम उनकी क्यूरीज आंसर कर रहे हैं, सो दिस इज एम्पथी, वी आर ट्राइंग टू नो ईच अदर। We're trying to know each other. See, ये तो it has been a very fruitful, जी बहुत ज़्यादा एक fruitful discussion रही है मेरी आपके साथ. मैं वही मुझे थोड़ा सा ये भी था कि हम जैसे empathy के ऊपर जब मैंने लिखा तो I was not really expecting in that sense कि मुझे कोई मैं देखना ये भी देखना चाह रहा था to some extent कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो empathy पे बात करना चाहेंगे. और वो दैट नीडेड ए लिटिल अंडरस्टैंडिंग के एम्पैथी है क्या. सी बड़ा कंफ्यूज्ड कॉम्प्रिहेंशन है इसके मुताबिक हमारी सारों की मेरी अपनी बड़ी रही है बड़े अरसे तक. लेकिन जब हम जब आपने रिस्पॉन्ड किया एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, ऑब्वियसली देर वर सम लॉक्स दैट वर ओपन, यू नो अवेयरनेस तो है, ऑल अराउंड अवेयरनेस है उसकी, लेकिन वो कितना ज्यादा माशरे के अंदर है उसको हम देखने की कोशिश कर की हमने और समझ रहे हैं हम उसको. मैं यहाँ पर अभी एक थोड़ा सा एक मैंने ऑफ लेट दो किताबें मतलब पढ़ी जो के नोआ हरीरी की लिखी हुई है. एक तो ओके दैट्स है ग्रेट होमोसेपियन और दूसरी ओके होमोडेस.
सो मैंने होमो जो पहले पढ़ी और बाद में होमोसेपियन पढ़नी शुरू की. तो होमो जे में वो यही डिस्कस कर रहा है कि हम शायद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रीजन एक्सटिंक्ट होने का यही होगा कि हम एक दूसरे से बातचीत करना नहीं सीख सके, टू लार्जर यस, एक्सटेंट, दैट्स द एक मेन दूसरे थिंग, को दैट्स द समझना नहीं कम्युनिकेशन सीख गैप. सके. सो वो उसको कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए. ऑन द अदर एंड वो जिन बातों को दूसरी तरफ कर रहा है, अब उसको अगर जरा एक गैर मजहबी नजरिए से और साइंटिफिक नजरिए से जहाँ वो उसकी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, जो आपको पता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी अक्सर ऐसी ही रहती है ज्यादातर, तो वो ये कह रहा है कि हाँ, वी हैव ऑलरेडी बीटन डेथ टू अ लार्ज एक्सटेंट, सिर्फ पैसे का ही मसला रह गया है. ठीक है, तो लेकिन हम मौत को तो बीट नहीं कर सके, लेकिन जिंदगी एक्सटेंड कर चुके हैं एट प्रेजेंट. यू नो कैंसर है, इफ आई यस, हैव द मनी एंड द रिसोर्स मैं जरा ज्यादा जी लूंगा, नहीं होंगे तो कम जीऊंगा. एनी अदर डिजीज फॉल्स बैक लाइक दैट. राइट, दूसरा एक बड़ा चैलेंज वो वहां पे ये एक्सप्लेन कर रहा था कि आपके यहाँ हमारे यहाँ जो जंगे हैं, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट, ग्रीड, इंसानी लालच का यस, नतीजा इट है इज. वो, वरना जंगे कोई आज के दौर में होना उसके कोई जवाब बनता नहीं है. इसी तरह बीमारी का इलाज महंगा है, ये इंसान का अपना किया धरा क्राइसिस है. राइट, यस, दवाई इजाद करने वाले पेनिसिलिन के फाउंडर ने या इन्वेंटर ने शायद उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ना हो कि इसको पैसे के एवज बेचा जाएगा. यस, इसके दैट्स द थिंग. अगेंस्ट लोगों की जिंदगियां का फैसला होगा. ठीक है ना, जिस तरह कि आज कैंसर करेक्ट, के बहुत सारे अमराज की दवाइयों का ये मसला है, इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल उसने कहत की दी थी कि कहत जो है दुनिया में पिछले कुछ यस, अरसे से, 4-5 सालों से, जब भी उसको आप डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में देखेंगे तो इंसानों का किया धरा कमाल था, खाना बहुत था जमीन पर. हेलो, आई थिंक आई हैव लॉस्ट दिस कनेक्शन, बट काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही है. मैं हम ट्राई कर रहा हूँ कि हामिद भाई दोबारा ज्वाइन कर लें. Make you leave now. I think Hamid bhai couldn't join anymore, and his कुछ connection में problem आ गया है. We'll join you next Sunday, inshallah, with another guest. Inshallah. Allah Hafiz.